रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर दोहराया कि कश्मीर में धारा 370 पर पुनर्विचार होना चाहिए और यही देश और कश्मीर के हित में है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेशक ये उनके अपने निजी विचार हैं, लेकिन वे अपनी पार्टी में कई बार इस मुद्दे पर अपनी ये राय दे चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा बेरी हल्के के गांव छोछी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कश्मीर में लगी धारा 370 पर पुनर्विचार की बात कही। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरते हुए भाजपा पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए। अपने ये भी है कि भी वो मेरा निजी मानना है, तो एमपी साहब के कभी जरूरत पड़ी तो क्या आप अपने इस विचार को, अपने निजी विचार को सामने रखेंगे? बिल्कुल रखा है और मैंने शुरू से कहा है, ये अभी चर्चा में आ गई ये बात, मगर मैंने शुरू से एक बात की है कि धारा 370 पे पूर्ण विचार का समय आ गया देश के लिए, और इसमें कश्मीर के भी हित में होगा, देश के भी हित में होगा कि धारा 300 संवैधानिक रूप से धारा 370 को जो है कि पूर्ण विचार किया जाए। और जो है मैं समझता हूँ कि भाजपा ने जिस तरीके से देश को एक दोहरा चेहरा दिखाया है, एक तरफ बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, जो महबूबा मुफ्ती जो आज कह रही है कि हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा, जिन्होंने हमेशा अलगाववादियों की भाषा बोली, 5 साल तक वो सरकार चली, उस सरकार में देश के फौजियों पे 302 और 307 के मुकदमे दर्ज हुए, खुद प्रधानमंत्री जी ने जाके कश्मीर में ये कहा, कश्मीर से वोट लेने के लिए कश्मीरियों से, कि आप देखो 70 साल में पहली बार मैंने फौजियों पर मुकदमे बनवाने का काम किया है कश्मीर, और फिर दिल्ली में कुछ और भाषा, श्रीनगर में कुछ और भाषा। बीजेपी ने दोनों जो है ये एक दोहरी चाल जो चली है देश के साथ, देश कभी इस दोहरी चाल के लिए बीजेपी को माफ नहीं करेगा। जहां तक धारा 370 की बात है, मैं बड़े स्पष्ट रूप से मेरा ये स्टैंड है, व्यक्तिगत स्टैंड है कि भाई अब समय आ गया है, भाजपा जो है, भाजपा के पास 5 साल पूर्ण बहुमत था, भाजपा ने बड़े बड़े संवैधानिक संशोधन कराए, मगर भाजपा को कभी फुर्सत नहीं मिली धारा 370 की सोचने, और अब समय आ गया कि देश में 370 पे पूर्ण विचार हो, ये मेरा स्टैंड है। थैंक यू। दीपेंद्र हुड्डा ने बकायदा कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए विकास कार्य को गिनवाते हुए पूछा कि भाजपा अपने शासनकाल में हुआ एक भी काम आकर लोगों को बताए। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुबह नहा धोकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्रियों का बस एक ही काम है कि दीपेंद्र के बारे में आज क्या कहा जाए। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना।